नमस्कार, मैं शैलेश झा और KIA न्यूज में आपका स्वागत है। 370 फ्री जम्मू कश्मीर में यह पीएम मोदी का पहला दौरा था, इसीलिए बेहद खास भी था। पीएम मोदी ने एक के बाद एक विकास परियोजनाओं की झड़ी लगा दी और जम्मू कश्मीर के विकास का 25 वर्षीय रोड मैप पेश किया। मेरे लिए नया है, न मैं आपके लिए नया हूं। और मैं यहां की बारीकियों से अनेक वर्षों से परिचित रहा हूं, जुड़ा हुआ रहा हूं। जम्मू कश्मीर को 370 से आजाद कराने के बाद पीएम मोदी अपनी पहली जम्मू कश्मीर यात्रा पर पहुंचे तो उनका रेड कार्पेट पर स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने आज जम्मू कश्मीर पहुंचने पर अपनी एशियाटिक यात्रा का मकसद भी बताया। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, साथियों, मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए। घाटी के नौजवान, आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान, आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। मौका था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम का, जिसका आयोजन पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहा था। यह मौका इसलिए भी खास था क्योंकि धारा 370 हटाने के बाद ही जम्मू कश्मीर में पहली बार पंचायती राज लागू हुआ। यहाँ के पंच सरपंच मुझे बता रहे थे कि जब यहाँ में एक कार्यक्रम का आयोजन तय हुआ तो सरकार के लोग आते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स आते थे सब बनाने वाले। अब यहाँ तो कोई ढाबा नहीं है, यहां तो कोई लंगर नहीं चलता है, ये लोग आ रहे हैं तो उनको खाने का क्या करें? तो मुझे यहां के पंच सरपंच ने बताया कि हर घर से, कोई घर से 20 रोटी, कहीं 30 रोटी इकट्ठी करते थे और पिछले 10 दिन से यहां जो भी लोग आए हैं सबको गांव वालों ने खाना खिलाया है। जम्मू कश्मीर पहुंचे प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने साथ विकास की परियोजनाओं के सौगात लेकर गए थे। फिर चाहे वह बनिहाल काजी कुंड रोड टनल की लॉन्चिंग हो, जिसके जरिए जम्मू और कश्मीर की दूरी कम हो जाएगी। साथ ही पीएम मोदी ने 340 घरों वाले पल्ली गांव को 500 केवी क्षमता के सोलर पावर प्लांट का तोहफा भी दिया। कार्बन न्यूट्रल को लेकर के बहुत सारे भाषण हुए, बहुत सारे बयान हुए, बहुत सारी घोषणाएं हुई, लेकिन ये हिंदुस्तान है जो ग्लासगो के संकल्प को आज जम्मू कश्मीर की एक छोटी पंचायत, पल्ली पंचायत के अंदर देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर की यात्रा पर आतंकी साया मंडरा रहा था। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं तेज हुई। आज भी पीएम मोदी की रैली वाली जगह से चंद किलोमीटर दूर एक खेत में विस्फोटक बरामद हुआ, लेकिन पीएम मोदी ने बिना हिचकिचाहट अपना दौरा किया क्योंकि वह जानते हैं उनकी प्राथमिकता क्या है। बीते 8 सालों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने दिन रात काम किया है। जब मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं तो हमारा फोकस कनेक्टिविटी पर भी होता है, दूरियां मिटाने पर भी होता है। दूरियां चाहे दिलों की हो, भाषा व्यवहार की हो या फिर संसाधनों की, इनको दूर करना आज हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है।
पीएम मोदी की इस यात्रा का मकसद जम्मू कश्मीर के विकास को पंख लगाना था, साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों में यह भरोसा जगाना था कि पीएम मोदी विकास की बात कर रहे हैं और उन्हें लोगों का साथ भी मिल रहा था। 370 से आज़ाद हुआ कश्मीर अब विकास की नई उड़ान भरने को तैयार है, और सिर्फ यह कहने की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर की फिजाओं में इसका असर भी दिख रहा है। पीएम मोदी ने आज जम्मू कश्मीर की जनता से वादा किया कि विकास की रफ्तार को रुकने नहीं देंगे। केंद्र सरकार की योजनाएं अब यहां तेजी से लागू हो रही है, जिसका सीधा फायदा जम्मू कश्मीर के गांवों को हो रहा है। एलपीजी गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट्स हो, इसका बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर को मिला है। साथियों, आजादी के अमृतकाल यानी आने वाले 25 साल में नया जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा।